सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में नुक्कड़ सभाएं की और लोगों से मतदान की अपील की। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने खुद अपने विधायकों को निष्कासित किया है, इसलिए वे दूसरा घर बनाने को मजबूर थे। हम लोगों को तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ने विधानसभा से हटाया। मुख्यमंत्री ने किस तरीके से 6 विधायकों को अनैतिक तरीके से निष्कासित करवाया विधानसभा से। कोई घर से कोई निकाल दे तो स्वाभाविक है कि कहीं तो घर बनाएगा। राजेंद्र राणा ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजित राणा पर निशाना साधते हुए अवैध वसूली और खनन माफिया होने का आरोप लगाया। राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने 23 वर्षों तक जनता की सेवा की और अब जनता तय करेगी कि किसे वोट देना चाहती है। मेरा तो 23 साल से ज्यादा है समय, 23 साल लगभग 4 महीने हो गए, और मेरा जो 23 साल 4 महीने का जो सफर है, जिसमें सामाजिक सफर है चाहे राजनीतिक सफर है, हिमाचल प्रदेश में अकेला MLA हूँ जिसने कभी किसी की ना पार्टी पूछी, ना जाति पूछी, ना मजहब पूछा, ना धर्म पूछा। जो आया उसकी मदद करी, जो आया उसका काम किया।